जब बात क्लोथिंग की आती है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आपको अलग अलग चीजें दिख जाएगी। बट हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं आज, हम बात करने वाले हैं टी शर्ट्स के बारे में। बहुत से लोग, मतलब मेरे हिसाब से जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं वो टी शर्ट्स पहनते ही है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आप जो टी शर्ट्स पहनेंगे वो आपके ऊपर और भी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 5 टिप्स बताऊंगा आपकी टी शर्ट्स आपके ऊपर और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो भाई स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। एंड फर्स्ट जो मेरी टिप है वो ये है कि आपको साइज डाउन करना पड़ेगा। बहुत से लोग ओवर साइज टी शर्ट पहनते हैं, उनकी जो साइज होती है उससे एक बड़ी साइज की टी शर्ट पहनते हैं जो उनको थोड़ा सा बैगी सा लुक प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक बड़ी टी शर्ट पहन रखी है ब्लैक कलर की, ये ठीक लगती है मुझे। बट आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैं इसमें इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। नाउ आप देख सकते हैं कि मैंने एक फिटेड टी शर्ट पहनी है जो मुझे अच्छे से फिट आती है, एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं मेरा जो लुक है वो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे सेकंड जो टिप है जो मैं आप लोगों को देने वाला, वो इंस्टेंटली आपके टी शर्ट्स के लुक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। एंड वो टिप ये है कि आपको अपनी स्लीव्स को रोल करना है। टी शर्ट्स की स्लीव को रोल करने से एकदम इंस्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जो टी शर्ट दिख रही होती है बिफोर, और कंपेयर करें उसे आफ्टर से। टी शर्ट में हमेशा स्लीव को रोल करता हूँ, उससे मेरी जो लुक है वो बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। मुझे अकेले टी शर्ट के अंदर ही मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। ये चीज मुझे ऐसा लगती है कि जब भी आप टी शर्ट पहने कैजुअली तो आपको ये चीज करनी चाहिए, बिकॉज इससे आपके लुक्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और जो टिप है मेरी वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जब टी शर्ट या फिर आपकी नॉर्मल क्लोथिंग की भी बात आती है, बिकॉज इस टिप से ना सिर्फ आप जब टी शर्ट पहनोगे तो वो आपके ऊपर ज्यादा अच्छी लगेगी, बट आप कोई भी जो क्लोथ अपने पहनोगे, शर्ट हो गया, चाहे वो जैकेट हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपके ऊपर काफी अच्छा लगेगा। एंड ये टिप है आपको वर्कआउट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप नहीं करते आपको करना चाहिए। मैं फैन हूँ वर्कआउट करने का, वर्कआउट मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ, एंड वर्कआउट ने मेरी लाइफ चेंज कर रखी है। वर्कआउट कभी नहीं छोड़ता हूँ, मेरी जो डाइट है वो ऊपर नीचे होती रहती है। एंड ऑफ द स्टोरी आपको ये करना है कि आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है। वर्कआउट जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी चेंज होगी, आपकी मसल्स डेवलप होते हैं, आपके क्लोज आपको बहुत अच्छी तरीके से फिट आने वाले हैं, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और जो मेरी टिप है वो ये है कि आपको डिफरेंट टाइप्स की टी शर्ट ट्राई करनी पड़ेगी। पर्सनली बहुत पहले के टाइम पे बहुत कम टी शर्ट्स पहनता था, मेनली ब्लैक एंड वाइट ही पहनता था, उसके अलावा मैं टी शर्ट्स नहीं पहनता था। बट धीरे धीरे मैंने दूसरी कैटेगरीज में एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टी शर्ट ट्राई करना स्टार्ट किया, और कॉन्फिडेंस आने लग गया। हर टी शर्ट अलग तरीके से डिजाइन होती है, तो आप जैसे ही डिफरेंट डिफरेंट टी शर्ट्स ट्राई करेंगे तो आपके आपको खुद को कॉन्फिडेंट लगेगा। तो बस मेरी फिफ्थ एंड फाइनल टिप का नाम है लेयरिंग। टी शर्ट्स आप सबको पता है लाइट वेट होती है काफी, एंड अभी स्प्रिंग एंड विंटर का टाइम आने वाला है, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने टी शर्ट्स को लेयर करें। अगर अभी स्प्रिंग का टाइम है, ज़्यादा थोड़ी गर्मी साइड में आता है, तो आप अपने टी शर्ट्स के ऊपर आप शर्ट्स पहन सकते हैं, अपने स्लीव्स को रोल कर सकते हैं, एंड ओवरऑल आपका जो लुक आएगा वो बहुत अच्छा आने वाला है। एंड जब थोड़ा सा विंटर टाइम आ जाए तब, मुझे पर्सनली विंटर इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज मैं टी शर्ट्स के ऊपर काफ़ी चीज़ें लेयर कर पाता हूँ उस टाइम पर। मैं कार्डिगन्स लेयर कर लेता हूँ, बॉम्बर जैकेट लेयर कर लेता हूँ, मैं डेनिम जैकेट लेयर कर लेता हूँ, मैं लेदर जैकेट लेयर कर लेता हूँ अपनी टी शर्ट्स के ऊपर, एंड सबका लुक नेक्स्ट लेवल आता है। एंड ऑफ द डे आपको अगर टी शर्ट्स में और भी ज्यादा अच्छा लगना है तो आपको उसे लेयर करना पड़ेगा। गाइस ये थी मेरी वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक इज हाईली अप्रिशिएटेड। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं मेंस हेयर ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आपको अगर हेल्पफुल लगी है, अगर मेरे बोलने का अंदाज या फिर कुछ भी अच्छा लगा है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, फ्री है वो, साथ के साथ बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंटिल देन कीप स्टाइलिंग एंड प्रा फाइव।